हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो अभी यार हम लोग उठ चुके हैं, मैं और काजल और भैया तो अभी सोया हुआ है क्योंकि वो रात में भी बहुत लेट सोया था, तो अभी तक सोया हुआ है। अभी बज चुके हैं 11 और अभी देखो यार इधर पे पापा इसमें इन्वर्टर में पानी डाल रहे हैं, 6 महीने हो गए बैटरी में डलता है। बैटरी में डालने वाला पानी लेकर आए हैं, तो यही अभी डालेंगे। 6 महीने हो गए हैं इस बैटरी को लाए। उसने बोला था शॉपकीपर ने कि डालना पड़ेगा 6 महीने बाद, तो वही अभी डालने में लगे हुए हैं। माँ इधर पे खाना बनाने में लगी है, रोटी और इसमें सब्जी है बरबटी की, इसको क्या बोलते हैं एक और नाम, गंवार फली। और ये गंवार इधर पे इसको खिला रही है। बिहार में बोड़ा भी बोलते हैं। तो अभी यार मैं सोकर उठा हूँ एंड मैं जैसे ही सोकर उठा पता चला ये लोग ने व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। तो अभी तो यार मैं उठकर ब्रश व्रश किया एंड अभी खाना आ गया है। ये किट्टू भी इधर उधर घूमने में लगा है, पैरों के आसपास ही चलता रहता है। किट्टू कहाँ जा रहे हो आजकल? ना इसकी एक बहुत मस्त आदत है कि आजकल इसको टॉयलेट लगती ना तो यहाँ बाहर जाता है एंड बाहर जाकर कर लेता है। मतलब ऐसा काफी बार हमने समझाया, उसके बाद जाकर ये समझा है। ये देखो मैं बताता हूँ, ये देखो इधर पे आता है, इधर पे करके एंड वापस अंदर चले जाता है। एक और चीज बताता हूँ, इसके उधर जाता ही नहीं। तो भी यार यहाँ पर खाना आ गया, रोटी सब्जी है, ये भिंडी की है माँ, भिंडी की छी छी छी, क्या सब्जी है, हरा हरा तो हरा तो और भी बहुत सारी चीजें होती है जैसे शिमला मिर्च की, हाँ घास भी तो हरा ही है, वो भी खाना चाहिए फिर तो। मुझे ये बिल्कुल, ओए किट्टू किट्टू घास नहीं खाना, ये खा लिया करना मेरे हिस्से का, खत्म कर दिया करना। ओ दूर रह, दूर दूर दूर, तुम्हें ये सब नहीं खाना है। तो भी यार शाम के 6:30 बज चुके हैं और अभी माँ और काजल जा रहे हैं पार्लर, तो हम लोग भी चलते हैं उधर, उधर ही घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे भी यार, थोड़ा पेट पूजा भी हो जाएगा। ज्यादा पैसे नहीं है, कितने 100 रुपए है, इतने में हो जाएगा। अरे अपुन अमीर है ना, देख अरे लगता है इसके पास बहुत माल। मेरा 30 रुपए लगेंगे बस, और तू बचेगा ही क्या करवाना है, बस अबे है चाबी लेकर आए। छी छी मुझे लगा इसके पास होगा 500-1000 रुपए। अच्छे से देख रहा है, तो कब निकाल, अबे है 50 रखा है ना, 50 हो जाएगा, चल जाएगा, पर वो मेरे लिए है। 50-50 कर लेंगे, दिक्कत नहीं है, 50-50। अभी यार देखो मौसम बिल्कुल सही है, इसको कौन देगा 50-50, सनसेट हो चुका है। ये भी है, खाएगा ये भी खाएगा, क्योंकि तू खाओगे, ये नहीं खाता है, इसको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती है, ये अपने ही खाने देने में के नाम से अच्छी नहीं लगती ये अपने ही खाने में खुश रहता है। तो भी यार देख सकते हो हम सब लोग यहाँ पर जा रहे हैं, ये रही माँ वहाँ पे, वो देखो हमारा घर, ये रहा पूरा बिल्डिंग, मतलब उसमें वो है ओनली, पूरा बिल्डिंग तो नहीं है। वैसे कितना देर लगेगा, 1 घंटे मैं तो 5-10 मिनट सोच कर आया था, तो क्या मुझे तो एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिट करना है। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग लेकर जाओ। हाँ मैं वापस जा रहा हूँ, तुम लोग रिकॉर्ड, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे खाने के लिए लेके आना, मैं और माता आधे घंटे पार्लर में रहेंगे, मैं पार्लर जाऊंगा, नहीं बाहर रहना तू, हाँ चले जाना, दिक्कत क्या है, भागीदार से हट, हाँ वही चले जाना, मेरे लिए कुछ खाने के लिए जरूर लेते हैं, ऐसे ही नहीं कुछ खाने के। मैं तो दुकान जाऊंगा, खाऊंगा जैसे, और तेरे लिए लेके आ जाऊंगा बस। हाँ तो तू जाना, ज्यादा खाना लेकर आ जाना, ज्यादा लाना थोड़ा बहुत। बस जाते जाते ही बीच रास्ते में पापा मिल गए थे, तो मैं पापा के इधर पे बाइक ले लिया हूँ, ये देखो पापा का बाइक ले लिया, और किट्टू को भी पापा को दे दिया हूँ, पापा उसे लेकर घर चले गए हैं, और मैं जा रहा हूँ अभी दुकान पे, और माँ और काजल पे चले गए हैं उधर पे अपना पार्लर पे। यार मैं शॉप पे आके 3 पेटीज पैक करवा रहा हूँ मेरे भैया और पापा के लिए, चलो ये लेकर और चलेंगे घर डायरेक्ट। यार अभी ये पैक करवा लिया है पेटीज 3, चलो चलते हैं अब घर, लेकर घर आ गया हूँ, ये रहा खाने के लिए। मैं थोड़ा कंघी वंघी कर लेता हूँ, अभी 10 बार चिल्लाया हूँ तब जाके गेट खोला, तो हेडफोन लगा हुआ था, गजब इंसान है, देखा सुनाई दे रहा था, देख तेरा थोड़े ना है, मेरा है। लालची इंसान क्या इंसान है। तो अभी मैं 3 प्लेट में निकाल दिया हूँ, 1, 2, 3, एक मेरा, एक भैया का और एक पापा का। काजल माँ उधर गए, उनको पता भी नहीं कि मैं ये सब लाके इधर पे खाने में लगे हैं हम लोग। ये ले लालची, ठूस ले, खा ले, एक दे रहा है छी छी, तो पूरा तुझे ही पकड़ा दूँ, एक मेरा एक पापा का है, ना दे दे, उसके बदले मैं तुझे मास्क दूंगा। अबे निकल, मास्क क्या क्या करूंगा तेरा, दे दे मैं 10-10 मास्क दूंगा, दे भाग इधर से भाग, झूठा
फेंकू। चलो पापा को भी देते हैं। तो अभी यार यहाँ पर खाना बन चुका है, ये रहा पूरा रेडी है खाना, तो आ चुका है खाना। यहाँ पर रोटी है और चावल है, दाल है, चोखा है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो चलो अभी खाना खाते हैं। आजकल पकौड़ा डेली बन रहा है, वो भी मिर्च का। हाँ, शिमला मिर्च का बनता है, बेसन में लपेट तो का। मेरा तो मिल भी जा रहा है पकोड़ा। पापा बनाते हैं डेली, कल भी पापा ने बनाया था, आज भी पापा ने बनाया। तो भी किट्टू भी यहाँ पर देख सकते हो खाना खाने में लगा है, मतलब दूध पीने में लगा है। ये रहा, पूरा एकदम छोटे बच्चे की तरह पी रहा है, जैसे एक छोटा बच्चा पीता है ना एकदम। हाँ। ऐसे ही निप्पल सर कैमरे की साइड ही देख रहा है लगता है। तुम लोग जैसे पीता था बचपन में ऐसे हाथ पकड़ लिया। काजल हम लोग ऐसे पीते थे। सबसे ज्यादा निप्पल से दूध गोलू किया है। देख ले गोलू तेरा बचपन देख ले। ऐसे ही पीता था किट्टू की तरह। तो यार अभी सबका खाना वाना हो चुका है, सभी लोग यहाँ पर खाना वाना खाकर पूरी फैमिली यहाँ पर मस्त मजे से बैठी हुई है। तो यार आपको पता होगा कि कल के व्लॉग में मैंने बताया था, एक गुड न्यूज बताने वाला था मैं। यार वो गुड न्यूज क्या है, मैंने बोला था कि 80% जो है 80% वो कन्फर्म हो चुका है, लेकिन 20% वो कन्फर्म नहीं था। तो आज यार 25 अगस्त को 20% मतलब टोटल 100% अब कन्फर्म हो चुका है। तो अभी बताएंगे, माँ बताओ। हाँ, माँ बताएगी। माँ बताएगी, पापा बताइए। अपना जो गाड़ी बुक था ना, हाँ, वो गाड़ी आज के डेट में शोरूम में आ गई है। हमारा कार था वो, जो पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे उनको पता होगा, 2 महीने पहले हम लोगों ने फर्स्ट या सेकंड व्लॉग ही था। हाँ। उसमें हमने एक कार बुक किया था जो कि था हुंडई का अल्काज़ार। यहाँ पे हमने पहले बुक किया था, फिर यहाँ पे कैंसिल हो गई थी कुछ एड्रेस के कारण। फिर पापा बिहार गए थे कुछ दिनों के लिए, 10-15 दिनों के लिए, जब मामू भी साथ आए थे तो उस टाइम बिहार गए थे। तो बिहार में पटना में बुक किया था, तो उस टाइम बुक करने के बाद अभी जाकर मतलब अभी आज से 10 या 5 दिन पहले मतलब वहां पर बोल रहा था शोरूम वाला कि अभी यार आपका टाइम लगेगा आने में। हाँ, कि नेक्स्ट मंथ आने वाला है, लेकिन अभी एकदम से 5 दिन पहले बोला कि अभी आपका मतलब चांस 80% 50-50 उसने बोल दिया। फिर धीरे धीरे बढ़ाते गया, फिर आज फाइनली जब कार आ गया शोरूम में तब उसने पक्का बता दिया कि हाँ चलो। तो अभी यार आप पूरी तरीके से कंफर्म है कि हमारी कार आ चुकी है, एंड आज पापा जाकर वो टिकट भी लेकर आ गए हैं। आज 25 है, आप लोग तो 27 को ये व्लॉग देख रहे होंगे, 27 को 4 बजे हम लोगों का ट्रेन है यहाँ पे। तो अब यार पैकिंग वैकिंग स्टार्ट करनी होगी बिहार जाने के लिए। तो कैसा लग रहा है सबको? अंदर से फीलिंग गुड गुड वेरी गुड, मन कर रहा है यही नाचू। कैसा लग रहा है? आज से 1 महीना या 1.5 महीने पहले हमने यही एक बैड न्यूज सुनाया था। हाँ। कि कार पता नहीं यहाँ पे कैंसिल हो गया, फिर तो लगा था आपको 4-5 महीने लगा, पता नहीं काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन फाइनली आज 25 अगस्त को ये कार हमारी अब आ चुकी है शोरूम में। कल काजल बोली थी कि ये बलून में तब फोड़ूंगी जब कार का मतलब पूरा फिक्स हो जाएगा, जब 100% कन्फर्म हो जाएगा। हाँ, जब 100% कन्फर्म हो जाएगा तब। वाह, फोड़ दो। और लोग भी सोचेंगे कि ये किस खुशी में पटाखे फोड़ रहे हैं। फोड़ो, हैप्पी बर्थडे कार, हैप्पी बर्थडे कार, हैप्पी बर्थडे कार, कार का हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं यहाँ पर। हाँ, ये ले, ये तेरा हो गया। नहीं, ऐसा मैं कभी होने नहीं दे सकती। बैठ कर तो सब लोग चलेंगे। हाँ, उसमें कार में बैठ गए। देखते हैं, अब जाएंगे वहां पर भी 1-2 दिन लगेगा, तो उसके बाद ही आएगा। 27 को जाएंगे तो देखते हैं, 28 को पहुंचेंगे, 29, 30, 31 तक। हाँ, कुछ कुछ पेपर का काम रहेगा बैंक वैंक का। इस महीने के लास्ट डेट तक गाड़ी 31 या फिर 1 सितंबर तक। हाँ, गाड़ी जाएगी। तो अभी तो यार आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या गुड न्यूज है गाइस, हमारा कार आने वाला है, मतलब आ चुका है यार शोरूम में, तो आ चुका है। बाय द वे 27 को हम लोग निकलेंगे यहाँ नरसिंहपुर से, एमपी से हम लोग निकलेंगे एंड बिहार पटना जाएंगे, क्योंकि पटना से ही हम लोगों को लेना है। उसके बाद गांव वहां से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर है, तो पहले तो यार 2-3 दिन हम लोग वहीं रुकेंगे जब तक वहां से कार ना मिले। कार मिलते से फिर हम लोग 2-3 दिन के बाद गांव जाएंगे, तो वहां पे भी घूमेंगे फिरेंगे, 10-15 दिन रुकेंगे यार। काफी ज्यादा मजा आएगा, व्लॉग्स मतलब आने वाले खतरनाक वाले, लेकिन यार अब खतरनाक वाली
उसके लिए यार यहाँ पर पैकिंग भी करनी होगी। पहले तो यार मैं यहाँ पर पीसी ऑफ कर दे रहा हूँ कि अब मैं भी जा रहा हूँ यार सोने के लिए। जो होगा कल ही पैकिंग वैकिंग की जाएगी। अब अभी कुछ भी नहीं होगा, अभी मैं जा रहा हूँ पीसी वीसी ऑफ करके सोने के लिए। यार एक्साइटमेंट तो पूछो मत, इतनी ज्यादा हो रही, 2 साल के बाद जा रहे हैं। यार सोचा नहीं था इतनी जल्दी कार भी आ जाएगी, बट आ गई यार। तो सोच सकते हो यार एक्साइटमेंट ऑन नेक्स्ट लेवल यार। तो अभी तो यार यहाँ पर देख सकते हो लैपटॉप में ऑन करके जो अपना व्लॉग का वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। सुबह 9 बजे का मैं शेड्यूल लगा दूंगा, 9 बजे आ जाएगा। एंड जो गेमिंग का वीडियो है वो मैं अब सुबह ही अपलोड करूंगा उठ के, क्योंकि यार कल सुबह उठकर बहुत सारी मुझे वीडियोस भी बनानी है, परसों निकलना है। निकल तो यार मतलब आज कह रही है ना, हम लोग चाहे तो आज भी निकल जाते, आज का वैसे हमारा प्लान था। लेकिन गाइस आप लोगों को पता होगा कि यार जो मैंने हेडफोन मंगवाया था वो यार वापस मैंने रिटर्न पे डाला। उसका आने का मतलब डेट है 27 को वो रिटर्न आएगा, तो इसलिए यार रुकना पड़ा, क्योंकि 27 को आएगा तो फिर उसको लेकर ही जाना होगा, तो इसलिए यार रुकना पड़ा। वैसे हमारा टिकट हो चुका है 27 को, बस निकलना है। तो अभी तो यार मैं यहाँ पर व्लॉग अपलोड करके एंड शेड्यूल लगाकर सो जाता हूँ। तो इस व्लॉग को तो यार मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको मजा होगा, मजा आया तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग डेली व्लॉग्स देखते हो तो करो, क्योंकि यार अभी बहुत खतरनाक वाले लिटरली व्लॉग्स आने वाले हैं। सो गाइस रेडी हो जाओ यार। तो चलो गाइस बाय बाय, मिलते हैं कल एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। खा ले लालची खा ले, तुझे भी एक पकड़ा दिया। मैंने सोचा गरीब को भीख देना चाहिए, मैंने सोचा गरीब को भीख देना चाहिए। वो भी देना, देने के लिए जिगरा भिखारी निकालेगा एक, मैं भी नहीं खाऊंगा। देने के लिए जिगरा मना, एक दिया एक कम है क्या बोल, एक छोटा वाला पकड़ा दिया वो दे दे, सबसे बड़ा वाला दिया। मन नहीं है यार, मन नहीं है।